Hey everyone, what's up? Welcome back to the new video. Welcome back to the channel. और आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अफोर्डेबल एंड स्टाइलिश लेदर जैकेट्स, वारसिटी जैकेट्स, जिपर जैकेट्स, मेनी मोर जैकेट्स. अब एक चीज़ बता दूँ कि GST इंक्रीज होने वाला है कपड़ों पे, जिससे कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे होने वाले हैं. तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा इस टाइम कपड़े परचेज कर लो, बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा है. जिस प्राइस पर आपको इस टाइम मिलने वाले ना, मे बी आपको बाद में ऐसे प्राइस पर ना मिले. ये रूल कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है. तो मैंने यही देखते हुए बहुत सारे कपड़े परचेज करे हैं, बहुत सारी जैकेट्स परचेज करी हैं जो मैं आपको दिखाने चाहता हूँ. सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल. वीडियो को शुरू करते हैं. नंबर वन जैकेट ऑन लिस्ट इज फ्रॉम द ब्रांड पार्क एवेन्यू. पार्क एवेन्यू एक बहुत रिनोन्ड ब्रांड है और जिस प्राइस पे मेरे को एक व्हाइट कलर की जैकेट मिल गई ना, मेरे को भी बिलीव नहीं हो रहा. इसका ओरिजिनल प्राइस है 2300, मेरे को मिला सिर्फ और सिर्फ 1264 में, मतलब कि 1264 रुपए में ये जैकेट मैंने परचेज करी है. इस जैकेट की ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है क्योंकि पार्क एवेन्यू कपड़े बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं. प्लस ये जैकेट बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. विंटर्स में कैसे पहनना है, नीचे व्हाइट कलर की टर्टल नेक डाल सकते हो, ब्लैक कलर की टर्टल नेक डाल सकते हो, उसके नीचे एक इनर डाल लेना, उसके ऊपर एक जैकेट डाल लेना, भाई आपका काम हो जाएगा. विंटर्स में आपको ठंड तो बिल्कुल नहीं लगने वाली है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से बाय कर सकते हो. सो नेक्स्ट जैकेट ऑन आवर लिस्ट इज अ लेदर जैकेट. इस जैकेट के बारे में आप लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछा है, यार ये जैकेट मैंने परचेज करी थी H&M से, अब H&M पे ये जैकेट अभी आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है. अगर इसकी प्राइस की बात करोगे, मैंने इसको 5,000-5,500 की खरीदी थी. मैं आज का ऑल्टरनेटिव देता हूँ, ज़ारा पे आपको ये जैकेट अभी भी अवेलेबल है. सेम साइज़ है, सेम फिटिंग है, सेम कलर है और सेम लुक है. इट इज़ फॉर 5,500 रुपीज़. अगर आपका इतना बजट है तो आप बाय कर सकते हो. बाकी मैंने इन चीज़ों का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा आप लोगों के लिए इस लेदर जैकेट के लिए, जो कि ब्लैक कलर की लेदर जैकेट है. अमेजोन का ब्रांड है एक, जिसकी जैकेट आपको मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 1699 रुपीज़ में. देखो लेदर जैकेट थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं, पर सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल जैकेट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा गर्म जैकेट्स होती हैं और आपकी पर्सनालिटी को बहुत मैनली सा लुक देती हैं. अगर आपको लेदर जैकेट परचेज करनी है जो कि ड्यूरेबल भी हो और अफोर्डेबल प्राइस में हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ज़ारा का भी और दूसरे ब्रांड का भी. आपको जो भी सही लगे अपने बजट के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो. सो द नेक्स्ट जैकेट ऑन आवर लिस्ट इज अ फर जैकेट फ्रॉम द ब्रांड यूनिक्लो. यूनिक्लो ब्रांड अभी इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ था. अब यार ये जैकेट ना आउट ऑफ स्टॉक है, आपको बताओ. मैंने हर जगह चेक करी, ऑनलाइन चेक करी. अगर आपके आसपास स्टोर है यूनिक्लो का तो मे बी आपको वहां मिल जाए. ऑनलाइन बहुत सारे कलर्स हैं इस जैकेट में, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ग्रे है, मैंने 4-5 कलर्स ले रखे हैं. इसका साइज मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मैंने चेक करे, एक जगह एक्सल साइज है, एक जगह एस साइज है, एक जगह एम साइज है. तो ये जैकेट एक ऐसी जैकेट है ना, जो आपने अगर नीचे टी शर्ट डाली और उसके ऊपर ये जैकेट डाल रही है, मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो आप ना आराम से उस ठंड को झेल जाओगे. इतनी गर्म जैकेट है, कंबल है जैकेट. इसकी प्राइस की बात करोगे, ये है 1990 की, भाई 2000 रुपए की जैकेट है, मतलब कि 1990 की जैकेट है. और ये प्राइस देना ना वर्थ इट है, मैं मजाक नहीं कर रहा. आपकी 2-3 सर्दियां निकल जाएंगी या 4-5 सर्दियां निकल जाएंगी सिर्फ एक जैकेट या दो जैकेट से. मैंने इसका ना एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा है क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है. फॉरएवर 21 ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है जो कि बहुत अमेजिंग ब्रांड है. और वो जैकेट टाइप में नहीं है, थोड़ी स्वेटशर्ट टाइप में है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक डार्क ब्लू कलर, उसका प्राइस है 1000 के अराउंड. तो मैं आपको बोलूंगा ये बाय कर लेना अगर आपको ना ठंड से बचना और ज़्यादा कपड़े बाय नहीं करनी है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे स्टाइलिश भी लगना है और ठंड भी बचानी है, तो दिस इज योर पिक. फॉरएवर 21 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बाय कर सकते हो. और कोई भी दिक्कत नहीं है, रिटर्नेबल भी होती हैं चीज़ें, तो आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद आता है बाय कर सकते हो. नेक्स्ट जैकेट ऑन आवर लिस्ट इज अ वारसिटी जैकेट और ये जैकेट मैंने पहनी है फ्यूगाजी ब्रांड से. अब यार ये जैकेट मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी. अगर मैं इसका रिव्यू दूँ, मैं इसे पिछले 1-2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छा फिट है, बहुत गर्म है, बहुत ड्यूरेबल है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है. मतलब मैं एक पार्टी में पहन के गया था तो वहाँ पे मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा, ये जैकेट तूने कहाँ से लिया? और जब मैंने उन्हें इसका प्राइस बताया, इट इज़ फॉर 1799 रुपीज़. वारसिटी जैकेट्स थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं, बट उसके अकॉर्डिंग ये जैकेट बहुत अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है. तो आपको पता है इसको कैसे पेयर अप करना है, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो वारसिटी जैकेट पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा. अगर आपको बाय करना हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हो. सो द नेक्स्ट जैकेट ऑन आवर लिस्ट इज फ्रॉम द ब्रांड कैंपस सूत्रा. ये जैकेट ना थोड़ी सी डिफरेंट है, आगे डेनिम है, साइड में इसके स्लीव्स ब्लैक है. तो मेरे को ये डिज़ाइन बहुत यूनिक सा डिज़ाइन लगा, इसलिए मैंने ग्रैब अप किया इस डिज़ाइन को. इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, आपको मिल रही है 837 रुपीज़ की. इसकी मटेरियल की बात करोगे, इट इज़ प्योर कॉटन, आगे डेनिम बनाया गया है. मतलब विंटर्स के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा गर्म जैकेट नहीं है, बट हाँ अगर नीचे आपने एक इनर्ट की लेयर डाल रखी है, उसके ऊपर आपने टर्टल नेक डाल रखी है, स्वेटर डाल रखा है और उसके ऊपर ये पहन रखा है, तो मेरे ख्याल से आपको विंटर्स अकॉर्डिंग काम
डेफिनेटली हो जाना है. तो मैं तो आपको बोलूंगा ये जैकेट अगर आपको एक डेनिम जैकेट में वेरिएशन चाहिए ना तो ये जैकेट परचेज कर सकते हो. आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. इसमें ब्लैक कलर भी आता है तो आप देख सकते हो, इसमें पिंक कलर भी आता है. जो भी आपको अच्छा लगता है बाय कर सकते हो. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके बाय करो अगर आपको पसंद आती है तो. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट जैकेट ऑन अ लिस्ट इज फ्रॉम द ब्रांड जारा. और इस जैकेट के बारे में बहुत से लोगों ने पूछ लिया है मेरे से. ये एक जिपर जैकेट है, मतलब कि बॉम्बर जैकेट है. ऐसी जैकेट H&M पे भी अवेलेबल थी, जारा पे भी अवेलेबल है, बट थोड़ी सी कॉस्टली है जैकेट. सिमिलर कपड़ा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है. ओरिजिनल प्राइस पूछोगे तो मेरे को मिली 2700 के अराउंड. अभी इसका ऑल्टरनेटिव मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से बाय कर सकते हो. एक तो मैंने कैंपस सूत्रा का ऑल्टरनेटिव ढूंढा है इसका, या एक और ब्रांड है उसका ढूंढा है जो कि प्राइस है 1200 रुपये के अराउंड. और जारा का ढूंढा है, दैट इज फॉर 2300 या 2400 का. जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है बाय कर सकते हो. इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है, सिंथेटिक मटेरियल है. सर्दियों के अकॉर्डिंग ये लेयरिंग में काम आएगा, ना कि एक गर्म जैकेट में काम आएगा. तो इन चीज़ों का जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ, उन दोनों का सेम काम है. आपको जो भी बाय करना होगा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हो. सो भैया ये कुछ जैकेट्स थी विंटर्स के अकॉर्डिंग जो कि मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे खरीदी. मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये जैकेट्स आप इस टाइम बाय करो क्योंकि आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी. मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेक्सी. Ta-da.